अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। वर्दी में शराब पीकर ड्यूटी पर रहना अब मेरठ जिला पुलिस के लिए आम हो गया है। आज इसकी प्रकाष्ठा यह रही कि दंगारोधी वाहन ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वाहन का चालक पुलिसकर्मी बुरी तरह नशे में धुत था, जबकि बाकी लोगों ने भी शराब पी रखी थी। वहां जमा भीड़ ने वर्दीधारी चालक व अन्य की जमकर धुनाई की। लोगों ने वहां काफी देर तक हंगामा किया। सूचना पाकर जिले की पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर किसी तरह काबू पाया। घायल व नशे में धुत पुलिस कर्मियों को भी किसी तरह इलाज के लिए भेजा गया। यह वारदात गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे सूरजकुंड बच्चा पार्क जेल की है। टक्कर मारने के बाद चालक ने वाहन से भागने की कोशिश की, जिस कारण चपेट में आया साइकिल सवार किशन गुप्ता भी दूर तक घिसटते चले गए। किशन गुप्ता नेहरू नगर गली नंबर 1 में रहते हैं। आसपास के लोगों ने वाहन को रोक लिया और वर्दीधारी चालक समेत अन्य पुलिसकर्मियों की पिटाई शुरू कर दी। चालक की नशे में यह हालत थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वाहन में भी शराब की बोतलें पड़ी थी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं घटना के प्रत्यक्षदर्शी। किशन गुप्ता थे फूलबाग कॉलोनी के, वो सूरजकुंड रोड पर आ रहे थे। दंगा नियंत्रण वाहन आ रहा था, उन्होंने शराब पी रखी थी, उनकी साइकिल में टक्कर मारी और उन्हें सड़क पर कुचला, जिनकी मौत हो चुकी है। पुलिस शराब पिए हुए थी। इतनी बड़ी घटना पुलिस कर रही है, खाकी वर्दी पहन के ये दर्दनाक हादसा हो रहा, तो आम जनता क्या हुआ? लगभग किस टाइम की घटना है, क्या देखा आपने? मैं जब पूछा तो अभी 1 घंटे पहले की घटना है। जब मैं पूछा तो उन्हें प्यारे लाल ले आए थे, तो 7:30 बजे की घटना है। वो सड़क पे घिसे पड़े थे, साइकिल उनकी हालत, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। क्या इन पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है? हाँ, कुछ पब्लिक गुस्से में थी, गुस्से के जायज भी है, कुछ महिलाओं ने करी है। महिलाओं ने मारपीट की है? हाँ जी। कितने पुलिसकर्मी थे वहाँ जो गाड़ी में थे? हाँ, गाड़ी में 5-6 पुलिस वाले थे गाड़ी में। कितने सबके साथ में मारपीट हुई? हाँ, ड्राइवर के साथ भी, जिन्हें शराब पी रखी थी, उसकी पैंट भी नीचे उतरी हुई थी और मुंह से शराब की बदबू मार रही थी। इस बाबत पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भी यह जानकारी दी। लगभग 7 बजे के समय सूरजकुंड रोड पे बच्चा जेल के पास जो पुलिया है वहाँ पे ये एक्शन मोबाइल, जिसमें PAC बैठी हुई थी, ये सूरजकुंड पार्क से ड्यूटी करके पशु चिकित्सालय की तरफ आ रहे थे, तो पुलिया से पहले वहीं पे एक साइकिल सवार थे, उसको टक्कर लगी इस गाड़ी से। और वो बताया गया वहाँ पर जो चश्मदीद ने कि उनकी साइकिल उस गाड़ी में फंस गई और वो काफ़ी दूर तक 15-20 मीटर तक उनका कहना है कि घिसटते हुए साथ चले गए। उनका नाम किशनलाल गुप्ता था, जिनके यहाँ पे आए तो उनको मृत घोषित किया गया है, मौत हो गई यहाँ ले जाते। बाकी जो ड्राइवर थे, कीर्तिपाल नाम है उनका, वो भी यहीं पर एडमिट है, क्योंकि बताया वो लोगों ने काफ़ी मारा है वहाँ पर उनको, जो लोगों ने उनसे इतना मारपीट की है, तो यहाँ पर बताया गया कि सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, उनको रेफर किया जा रहा है आगे के लिए। अभी तो जाँच कराएंगे, उसमें आ जाएगा सर, ये आरोप है लोगों का वहाँ पे, जो आरोप लगाया गया था कि ड्राइवर शराब पिए, तो उसकी जांच कराई जाएगी। सर, जिस तरीके से PSC के साथ में मारपीट की गई है, PSC के जवानों के साथ मारपीट की है, क्या इन लोगों के खिलाफ PSC के जवानों के साथ मारपीट नहीं, ड्राइवर से मारपीट हुई है, उधर ठहरा है, तो उसमें भी जो भी कानूनी एक्शन जो होगा नियमानुसार लिया जाएगा। क्या वहाँ की CCTV अभी देखा जाएगा, चूंकि वहाँ पर स्थिति उस समय कानून व्यवस्था की थी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, तो पहली प्राथमिकता ये थी कि इनको इलाज मिले। मैं यहाँ पहुँचा तो लेकिन पता चला वो तो पहले एक्सपायर हो चुके, हम जल्दी से निकले थे, उनको जो चोट लगी उनको इलाज मिल जाए प्रॉपर, हम प्रयास करें चल के, तो हम आए तो यहाँ पता लगा तो पहले ही गुजर चुके हैं, इसका इलाज कराया जा रहा है, बाकी सब चीज़ CCTV वगैरह देखा जाएगा, या और लोगों की हो सकता है फुटेज हो, किसी ने बनाई हो, वो आ जाएंगे। सर, इस टाइम एक ड्राइवर की कंडीशन क्या है? ड्राइवर ने बताया कि सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, ये रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए।